यहाँ तो सारे आपके जो ये जो है भाई लोग आपके सब भाई। सारे पैनलिस्ट भयंकर तेजी करवा रहे हैं, लेकिन उतनी कनेक्शन से आइडियाज जो है थोड़ा सा कम है। आप सीधे आइडियाज बताइए कहाँ बटन दबाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए वैसे मोमेंटम काफी अच्छा है, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया कि जो जो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स है वो काफी एनकरेजिंग है। नो डाउट कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने काफी अच्छा एक्चुअली मार्केट को सपोर्ट किया था, और जो इतनी बड़ी जो एफआई की सेलिंग आई थी वो पूरी की पूरी सेलिंग पकड़ लीजिए 80% एटलीस्ट वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हाथों में गई है, जो एक मार्केट को बड़ा सहारा देती है। यानी कि अगर मार्केट में यहाँ से बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर कोई पैनिक भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आके पैनिक करके वो लिक्विडेशन करके जाएंगे। अगर हमने जो 20 साल पहले का मार्केट देखा था या 15 साल पहले का मार्केट देखा था, तब यही होता था कि FIs लोग जो सेलिंग करते थे वो रिटेल इंस्टीट्यूशंस सॉरी रिटेलर्स के हाथ में आती थी, और फिर वो रिटेलर्स और जब मार्केट में पैनिक होता था तो वो बेच देते थे। हमें लगता है कि वो ट्रेंड अभी हमें देखने नहीं मिलेगा, और इसी वजह से मार्केट में अच्छा उछाल बन सकता है। बट अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि दो स्टॉक्स मुझे काफी क्लियरली समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले एक्सिस बैंक जो 745 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन इसने किया है, और क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये बुलिश कंसोलिडेशन के बाद एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से स्टॉक 775 से लेकर 800 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक को लॉन्ग करके चले। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर बाकी इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर फोकस बनेगा तो वो टेक्नोलॉजी पे भी बनेगा, क्योंकि एफआईज ने इवेंचुअली खरीदारी की शुरुआत कर दी है। अगर उसे अगर मद्देनजर रख के देखते हैं तो मुझे लगता है कि टीसीएस ये एक स्टॉक ऐसा है, टाटा कंसल्टेंसी, जो करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, 3370 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 3500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में इन दो स्टॉक्स के ऊपर हम बुलिश है, बट अगर लॉन्ग टर्म का भी व्यू अगर लेते हैं तो इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। दमदार स्टॉक्स और दमदार सेक्टर कैटेगरी से चुने हुए बैंकिंग और साथ ही आईटी टीसीएस, यहाँ पर ऑफ कोर्स खरीदारी के मौके ना शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पर श्रीकांत को नज़र आ रहा है, और बैंकिंग स्पेस पर भी बुलिश नज़र आया। आदित्य, वैसे आपने बोल्ड टारगेट्स तो दे दिए बाजार पर, लेकिन बताएं ट्रेडिंग पिक्स कौन सी होंगी, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप और ज़्यादा तेजी देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर आप गिरावट का रुझान आगे देख रहे हैं? सबसे पहले जब मैं बात करूंगा कि मैं जब सबसे पहले चैनल पे आया था तब मेरा तेजी का रुझान ऑटो सेक्टर पे था, टीवीएस मोटर और एमएनएम पे था। उसने कुछ महीनों में काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, और अभी जिस सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ वो है होटल सेक्टर और एंटरटेनमेंट सेक्टर की भी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, पीवीआर एंड इनॉक्स लेजर। तो अभी जो फ्रेश सेक्टर है जिसमें अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है, अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, अच्छा चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, वो है होटल सेक्टर। चाहे आप उसमें मार्केट लीडर देखें इंडियन होटल वो अच्छा कर रहा है, या फिर छोटे प्लेयर्स हो गए जैसे लेमन ट्री हो गया, दैट इज ऑल्सो डूइंग वेल। करंटली मैं काफी अनडिस्कवर्ड स्टॉक की बात करना चाहूंगा, वो है ROH लिमिटेड, रॉयल ऑर्चिड होटल्स। तो अगर इसका पैटर्न देखे तो काफी बुलिश चल रहा है, तो इस पे मेरी 190 पे बाय की सलाह रहेगी, 170 का स्टॉप लॉस और 230 का टारगेट, ये मेरा पहला पिक रहेगा। दूसरा पिक रहेगा मेरा बजाज फिनसर्व पे। तो जो हमने रिसेंट लेगो फ्रैली देखी तो उसमें एक ग्रुप था जो बिल्कुल आउट परफॉर्मर था, और उसका जो परफॉर्मेंस था एकदम हट के था, वो था बजाज ट्विंस का। अच्छे रिजल्ट आए और अच्छा एडवांस देखने को मिला अराउंड 10%। तो अगेन थोड़ा दिन का कंसोलिडेशन के बाद फ्लैग पैटर्न बना के एक फ्रेश रैली रिज्यूम कर रहा है, तो बजाज फिनसर्व 15560 के आसपास बाय करें, 15000 का स्टॉप लॉस और 16500 का टारगेट। अच्छा एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने व्यूअर्स को बताना कि रॉयल ऑर्किड होटल्स इज अ स्मॉल कैप होटल, ये हाई रिस्क कैटेगरी का स्टॉक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई आपत्ति नहीं है आदित्य के कॉल से, लेकिन स्मॉल कैप्स है, वॉल्यूम कम होता है, देख संभल के ट्रेड करें। और जी हाँ, इस समय होटल स्पेस में काफ़ी टेलविंड है तो इसको भी फायदा होगा, लेकिन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हाई बीटा कैटेगरी का स्टॉक हो सकता है, वॉल्यूम थोड़ा कम होता है,